ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, उनमें उलझा हुआ था और अभी पूर्णिमा भी गई है, इसी में काफ़ी सारे अनुष्ठान थे जो पूरे किए हैं। और मेरे क्लाइंट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनकी फरमाइश पर ये पति वशीकरण का, अपने प्रेमी को वशीकरण का एक बहुत ही उमदा मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र से आज तक कोई भी खाली नहीं गया। यदि एक बार किसी पर यह कर दिया जाए तो दिन रात वो बस आप ही के बारे में सोचेगा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सटीक लगने वाला, जो कि रातों रात अपना असर दिखा देता है। इस मंत्र को राजमोहिनी भी कहा जाता है। ये उस समय पर यूज़ किया जाता है जब आपके पास और कोई चारा ही ना हो, आपके हाथ से जब बाजी निकलने वाली हो, उस समय पर इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र जो है बहुत ही प्रभावी है और ये पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देगा। इसका प्रभाव यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको सात्विक होना पड़ेगा। सात्विक हो जाइए, बिल्कुल ही किसी भी तरह का मादक पदार्थ, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि, इनका सेवन कतई ना करें। और इसके बाद आपको इस मंत्र का गुम्फन करना होगा 108 की संख्या में, और इसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार घटित होगा जिसकी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हजारों सालों से ये जो मंत्र है ये गुप्त रखा गया था और इसकी कहीं पर भी, किसी भी ऐसी जगह पर कहीं पर भी आपको विवरण नहीं मिलेगा कि ऐसा भी कोई मंत्र होता है। और जो ज्ञानी हैं, जो साधनाएं करते हैं, उनको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान था। इस मंत्र को छुपाया गया था ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। और आज जो हमारे पास स्वर्णिम युग है, जिसमें कि आप अपनी मोबाइल की सहायता से, अपने पीसी की सहायता से कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो ऐसे में आज मैं इसको पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ। और आज शनिवार है, रात्रि के 9:30 हुए हैं, तो आज मैं आपको ये मंत्र दे देता हूँ। इस मंत्र का प्रयोग वही करें जिनके मन में सच्चा प्रेम हो, जो कि आखिरी तक इसको निभाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार यदि ये लग गया तो उम्र भर नहीं हटेगा। तो इस मंत्र का सटीक प्रयोग आप देख पाएंगे एक बार इसको लगाने से। आपको क्या करना है, सफ़ेद आँख की जड़ कहीं से भी अर्जित कर लीजिए। सफ़ेद आँख की जड़ को अपने राइट हैंड में पकड़कर इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को किसी भी कुपात्र को नहीं दिया जाता। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा समझता हूँ कि सबके सब जो हैं कोमल हृदय के हैं और किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई शिष्य जो है मंत्र का दुरुपयोग करता है तो कष्ट जो है वो गुरु पर आते हैं, तो अपने गुरु पर कोई आँच ना आए, कोई कष्ट ना आए, इसलिए इस मंत्र का सदैव सात्विक कार्यों में ही प्रयोग करें। किसी का अनिष्ट करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला आपको जाप करनी है सुबह शाम। सुबह का समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का और शाम का रहेगा आपका 6 से 9 बजे के, मतलब संध्या जब हो जाती है, सूरज जब अस्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद आप कभी भी इसको कर सकते हैं। एक माला करनी है, चाहे तो आप सुबह कीजिए चाहे शाम को कीजिए, लेकिन नित्य जो समय आपने निर्धारित किया है पहले दिन से, उसी समय पर, उसी स्थान पर आपको नित्य 11 दिनों तक ये प्रयोग करना है। मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्लीं
भोग प्रदा भैरवी मतांगी अमुकम वशमनाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, ओम हिलीम भोग प्रदा भैरवी मतांगी अमुकम वशमनाय स्वाहा। इस मंत्र की 108 की संख्या में आपको गुंफन करना है, और जहां पर अमुक आया है वहां पर अपने साथी का नाम लेना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कल परसों ही मेरे पास फोन आया कि गुरुजी आप जो मंत्र बताते हो बड़ी जल्दी बता देते हो, तो थोड़ा धीरे बताया कीजिए। तो ये मंत्र जो है कंठस्थ हो गए हैं, ये मैं चाहकर भी धीरे नहीं बता सकता। और कई लोगों की ये भी परेशानी होती है कि जो ऑडियो है वो ठीक नहीं आ रही है, जो बैकग्राउंड का जो साउंड है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस बार मैंने ध्यान में रखी हैं और काफ़ी धीरे बोलने की कोशिश मैंने की है। यदि फिर भी कि आपको ज़्यादा तेज लगे तो आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। ओम ह्रीम भोग प्रदा भैरवी मतांगी अमुक वशमनाय स्वाहा। तो इस मंत्र का गुम्फन आपको करना है 11 दिनों से, 11 दिनों तक आपको इसका जाप करना है। आपकी जो दिशा होगी वो सूर्य की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जो आसन है, आसन आपका होता है मृगचर्म का, लेकिन मृगचर्म आजकल नहीं मिल पाएगी तो आप कोई भी आसन ले सकते हैं। जब ये मंत्र करें तो अपना सिर ढक लें। सिर ढकने के बाद तिलक लगाकर नवेद रखिए, धूप दीपक जलाइए, और पहले दिन में अग्नि को साक्षी मानकर, अग्नि के ऊपर अपना हाथ रखकर उनसे प्रार्थना कीजिए, अपने कुल देवता से प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू करें। 11 दिनों के भीतर भीतर जो भी साध्य है वो आपके यहाँ पर पानी भरता हुआ दिखेगा। ये मंत्र इतना सटीक लगता है कि पहले ही दिन से असर दिखाना आपको शुरू कर देगा। यदि फिर भी कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ मंत्र में समझ में ना आ रहा हो, तो आप मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com। मेरा फ़ोन नंबर है 9992841625। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या होगी उसका निदान 24 घंटे के भीतर भीतर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।